ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर इसकी स्टेटमेंट है, क्योंकि जब स्टेट एंड प्रूफ पेपर में आएगा आपको स्टेटमेंट ऐसे ही लिखनी है, क्या? इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि ट्राइंगल लॉ में ट्राइंगल बनेगा, टेकन इन सेम ऑर्डर, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर. अगर मैं आपकी जगह स्टूडेंट होता, मेरे को कुछ नहीं समझ में आया मैंने क्या बोला, पर आपको भी समझ नहीं आया होगा पक्का ये हुआ क्या है. तो स्टेटमेंट हम प्रूफ के बाद पढ़ेंगे ये है क्या. पहले सिंपल वर्ड में समझते हैं, स्टेटमेंट आप समझने के बाद खुद बना लोगे आप थोड़ी देर में देखना, स्टेटमेंट को छोड़ देते हैं. क्या है लॉ समझो, अगर आप दो वेक्टर्स को ऐड करना चाहते हैं, मान लो उनमें से एक वेक्टर कौन है, ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर क्या है, बी वेक्टर, मान लो दोनों फोर्स वेक्टर हो सकते हैं, दोनों वेलोसिटी वेक्टर हो सकते हैं, कुछ भी, और इनके बीच में एंगल क्या है, थीटा. एंगल का मतलब क्या होता है, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल का मतलब होता है दो वेक्टर्स की डायरेक्शन के बीच में एंगल. अब डायरेक्शन वर्ड और वेक्टर वर्ड में क्या फर्क है, देखो डायरेक्शन का मतलब ए वेक्टर की डायरेक्शन राइट है, क्या राइट यहां के खत्म हो गया, या ए वेक्टर की डायरेक्शन ईस्ट है, हाँ तो ईस्ट यहां खत्म हो जाता है, नहीं भाई ईस्ट जहां मर्जी मैं कहता हूं अपने घर तक ले जाओ ईस्ट, तो ये वेक्टर यहां तक बंद जरूर हुआ लेकिन डायरेक्शन खत्म नहीं हुई, डायरेक्शन जितनी मर्जी ले लो. जैसे बी वेक्टर इस तरफ है जितना मर्जी, तो दो डायरेक्शंस हैं, दो डायरेक्शंस के बीच में एंगल क्या है, थीटा. क्लियर है यहां तक? ये क्यों बता रहा हूं, कई लोग गलत सोच लेते हैं, कई लोग ये सोचते हैं दो लाइंस के बीच में एंगल है, ना ये लाइंस के बीच में एंगल नहीं है, दो डायरेक्शंस के बीच में एंगल है. वो अलग बात है कि इस केस में लाइन और डायरेक्शन एक ही बात लग रही है. मैं दिखाता हूं फर्क कहां डलता है, ये वर्ड डायरेक्शन से कहां फर्क पड़ेगा, ध्यान से देखना. तो रूल ये बोलता है ट्राइंगल लॉ, इफ टू वेक्टर्स जिनको आपने ऐड करना है उसको क्या बनाना है, एडजेसेंट साइड ऑफ टू साइड ऑफ ट्राइंगल टेकन इन सेम ऑर्डर. अब सेम ऑर्डर किसे बोलते हैं, सेम ऑर्डर होता है अगर एक वेक्टर ये है या दूसरा वेक्टर एग्जैक्टली यहीं से स्टार्ट हो, तीसरा वेक्टर एग्जैक्टली यहीं से स्टार्ट हो, इसे बोलते हैं दे आर इन सेम ऑर्डर. ऑर्डर ऑपोजिट कब होता है, जब एक वेक्टर यहां ड्रॉ करने की बजाय मैंने वेक्टर उल्टा कर दिया, ये अच्छा भला ऐसे आ रहा था, एक वेक्टर ऐसे बन गया, तो दिस वेक्टर इज इन ऑपोजिट ऑर्डर. क्लियर है यहां तक, जहां ये दोनों के हेड हेड मिल जाते हैं, क्लियर है? तो सेम ऑर्डर समझते हो, एक वेक्टर खत्म हुआ तो दूसरा वहीं से स्टार्ट हुआ. ट्राइंगल लॉ ये कहता है अगर आप किन्हीं भी दो वेक्टर्स को ऐड करना चाहते हो तो पहले उन्हें सेम ऑर्डर में लो, ये सेम ऑर्डर में नहीं है. सेम ऑर्डर कब बनेगा, जब ए वेक्टर खत्म होगा बी वेक्टर उसके आगे से स्टार्ट होगा. आप कहोगे ऐसे कैसे लें, क्वेश्चन में तो ये गिवन है, ले सकते हैं आप इस वेक्टर को उठाएं और इसको यहां पे रख दें. आपको कोई वेक्टर उठा के रख दें, वेक्टर भी उठ के रखते हैं, रख सकते हैं. कैसे, अगर आप उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड को और डायरेक्शन को चेंज ना करें, जैसे मान लो एक फोर्स है, ये वेक्टर है 10 न्यूटन अलोंग नॉर्थ, मैं इसको यहां बनाऊं या उठा के यहां रख दूं, ना तो मैंने 10 चेंज किया ना मैंने नॉर्थ चेंज किया. आप इस वेक्टर को यहां रखो, यहां रखो, यहां या जहां मर्जी रखो, आपका आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो हम क्या करते हैं, इस वेक्टर को उठाते हैं, डॉट 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 हो गया, उसको उठा के यहां रख लेते हैं, तो ये क्या बन गया, सेम ऑर्डर. पर आपको के फिर एंगल का क्या बना, एंगल में कोई फर्क नहीं पड़ा. पता है क्यों, क्योंकि एंगल थीटा क्या था, दो वेक्टर की डायरेक्शन में एंगल था, लाइंस में एंगल नहीं था. लाइंस में होता तो आपको टेंशन हो जाती कि थीटा मेरा चेंज हो गया, डायरेक्शन में टेंशन नहीं है. क्यों, ए की डायरेक्शन कहां है, राइट, जितना मर्जी खींच लो. बी की डायरेक्शन कहां है, इस तरफ, तो अभी भी इनके बीच में एंगल क्या चल रहा है, थीटा. फर्क कहां पड़ा, कोई फर्क ही नहीं पड़ा. पॉइंट समझ में आया, लाइंस का एंगल नहीं है, डायरेक्शंस का एंगल है. समझ में आ रहा है यहां तक, तो आप चेक करो तो आपको इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा. इसकी बजाय यहां कर लोगे वैसे भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पता लग ही रहा है. क्लियर है यहां तक?
तो हमने क्या किया, दो वेक्टर जिनको ऐड करना है उनको सेम ऑर्डर में ले लिया, तो ये मैंने सेम ऑर्डर में ले लिया ए वेक्टर बी वेक्टर, राइट। तो जो थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल है, ट्राइंगल में तीसरी साइड रह गई ये साइड, इसको आपने ऑपोजिट ऑर्डर में लेना है। ये देखो ये सेम ऑर्डर है और ये इसका ऑपोजिट ऑर्डर है, उल्टा ऑर्डर हो गया। ये जो ऑपोजिट ऑर्डर का वेक्टर बनेगा आर वेक्टर, ये रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट का मतलब एडिशन ऑफ टू वेक्टर देगा। हम क्या कर रहे हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ये एडिशन ऑफ वेक्टर देगा। तो दो वेक्टर को ऐड करके जो नया वेक्टर आएगा उसको रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं, आर वेक्टर ऑपोजिट ऑर्डर वाला रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ये लॉ कहता है। अब जब ये चल रहा होता है ना लॉ, आप कहते हैं पता नहीं क्या करवाए जा रहे हैं यार, समझ नहीं आ रहा ये क्या सेम ऑर्डर। जब अभी थोड़ी देर में कर लेंगे ना, आपको एंड रिजल्ट लगा के दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा कि ओके समझ में आया क्या हुआ ये। तो बस अभी मैंने आपको स्टेटमेंट पढ़ के सुनाई है कि अगर दो वेक्टर्स को जिनको ऐड करना है आप सेम ऑर्डर में लें, तीसरा वेक्टर ऑपोजिट ऑर्डर का आपको एडिशन ऑफ वेक्टर दे देगा, राइट। ये बताया मैंने, अब कैसे देगा उसको समझने के लिए एक काम करते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर, मुझे क्या निकालना है आर वेक्टर। जब मैं बोलता हूं कि मुझे आर वेक्टर निकालना है तो मतलब मुझे दो चीजें देनी पड़ेंगी निकाल के, एक आर का मैग्नीट्यूड और एक आर की डायरेक्शन, दोनों चीजें अलग हैं। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड दे दूं और फिर डायरेक्शन दे दूं, फिर तो मानोगे आर वेक्टर आ गया। और हमें क्या निकालना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर, हमें आर वेक्टर निकालना है जो कि आंसर है इसका, राइट। तो कैसे करना है, कंस्ट्रक्शन करनी है, परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉ कर दो, ये एंगल थीटा है, क्लियर है यहां तक, ये कर दिया। फिर आपने क्या करना है, आपने ये इमेजिन करना है, ट्रायंगल लॉ में रूल है ये, इमेजिन क्या रूल है ये, क्या अगर ये ए वेक्टर है और सोचो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 है अलोंग एक्स एक्सिस, तो आपने जब ट्रायंगल बनाना है तो ये जो लेंथ देख रहे हो ट्रायंगल की लंबाई, सिर्फ लंबाई लंबाई, ये 10 लेनी है, यानी कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट साइड ऑफ ट्रायंगल। तो ए वेक्टर का जो भी मैग्नीट्यूड है वो साइड ऑफ ट्रायंगल बन जाएगा। जैसे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है तो ये साइड ऑफ ट्रायंगल को क्या लेना है आपने, 3, राइट। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर, तो ये लंबाई निकाल दूंगा आंसर आ जाएगा। अगर ये 10 है ये 3 है तो बाय ज्योमेट्री में लंबाई निकालूंगा वही मेरा आर का मैग्नीट्यूड माना जाएगा, ऐसा कुछ करने वाला हूं, क्लियर है। तो ये बताओ इसके अंदर ये ए वेक्टर है तो इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या है, ए, तो ये लंबाई क्या होगी, ये लेंथ क्या होगी, लेंथ ऑफ ट्रायंगल इज ए। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, बी, तो ये लंबाई क्या होगी, बी। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, आर, तो ये लंबाई क्या होगी, आर, राइट। अब शुरू करते हैं, सबसे पहले मैं क्या निकाल रहा हूं, मैग्नीट्यूड या रिजल्टेंट आर वेक्टर या आर, ध्यान से देखना। सबसे पहले आपने ये पूरा ट्राइंगल लेना है, इस पूरे ट्राइंगल में पाइथागोरस लगानी है, क्या बनेगी, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर, राइट। ओ क्यू स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर इज क्यू एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर, पहला स्टेप सबको क्लियर है, ठीक है। दूसरा, ओ एन को ब्रेक करके लिखेंगे ओपी प्लस पी एन, ओपी प्लस पी एन, दूसरा स्टेप भी क्लियर है। तीसरा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ओपन करो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये भी क्लियर है। अब आप एक काम करें, इस ट्राइंगल के अंदर, इस छोटे ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाएं, तो क्या बनेगी, यहां पाइथागोरस में ये हाइपोटेन्यूज है तो क्या बनेगा, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एन स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर, मानते हो ये चीज, राइट, ठीक है। इस स्टेटमेंट में पी एन स्क्वायर भी आ रहा है, क्यू एन स्क्वायर भी आ रहा है, तो जहां पी एन स्क्वायर क्यू एन स्क्वायर आ रहा है उन दोनों टर्म्स को हटा के मैं क्या लिख सकता हूं, इन दोनों टर्म्स की जगह पी क्यू स्क्वायर, क्या ये टर्म क्लियर है, ठीक। तो पहले बड़े ट्राइंगल की पाइथागोरस, इसको ब्रेक कर लिया बेस को, इसे ओपन किया, क्यू एन स्क्वायर पी एन स्क्वायर की जगह पी क्यू स्क्वायर, ये टर्म आ गई, राइट। लास्ट स्टेप देखो, इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल
कॉस थीटा क्या है, पी एन डिवाइडेड बाय पी क्यू, तो कॉस थीटा पी एन बाय पी क्यू, राइट। तो पी एन क्या होगा, पी क्यू कॉस थीटा, पर पी क्यू, पी क्यू का मैग्नीट्यूड क्या है, लेंथ क्या है, बी, तो पी क्यू की जगह पी, तो पी एन क्या है, बी कॉस थीटा, राइट। अब देखो मुझे क्या निकालना है, मुझे ओ क्यू, ओ क्यू लेंथ क्या है, ओ क्यू लेंथ आर, ओ क्यू की लेंथ क्या है आर, तो ओ क्यू की जगह आर स्क्वायर, पी क्यू की लेंथ क्या है, पी क्यू, पी क्यू की लेंथ है बी, तो पी क्यू की जगह बी स्क्वायर, ओ पी की लेंथ क्या है, ओ पी की लेंथ ए, तो ओ पी की जगह ए स्क्वायर, ओ पी की जगह ए, पी एन की जगह वो निकाल रखा है पी एन, वो रहा पी एन बी कॉस थीटा, तो आर का आंसर आ गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। फॉर्मूला रजिस्टर में ये फॉर्मूला नोट करो रिजल्टेंट का, इंपॉर्टेंट। आर कभी भी दो वेक्टर को जब ऐड करना है तो तीन चीजें गिवन होंगी, ए बी एंड थीटा, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, राइट। ज्योमेट्री का प्रूफ है, आपको क्या हुआ क्या है, ये ज्योमेट्री ये कर दो वो कर दो, ट्रायंगल ले लो, प्रूफ हो गया। अब दिखाता हूं हुआ क्या है ये। देखो इसके अंदर, इसके अंदर आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन है, आप देखो ये लॉ है, लॉ आपको रिजल्टेंट का फॉर्मूला दे रहा है, प्रूफ वन टाइम है, ज्योमेट्रिकल प्रूफ है, लेकिन जब एप्लीकेशन न्यूमेरिकल देखो कैसा आएगा, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। कोई ट्रायंगल ट्रोंगल ड्रॉ नहीं करना आपने, आपको गिवन होगा ये दो फोर्सेज हैं एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, रिजल्टेंट फोर्स बोलो क्या लगेगी। अब सबको पता है आंसर 20 प्लस 10 30 है, लेकिन कॉमन सेंस से नहीं, इस फॉर्मूले से हमने फॉर्मूला क्या निकाला रिजल्टेंट का, किन्हीं भी दो वेक्टर को ऐड करके ये फॉर्मूला है, इसमें पहली फोर्स को ए मान लो, दूसरी को बी मान लो, तो क्या बनेगा, 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 20 इंटू थीटा। थीटा का मतलब दो वेक्टर के बीच में डायरेक्शन के बीच में एंगल, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो एंगल उनके बीच में जीरो, कॉस जीरो, कॉस जीरो क्या होता है वन, तो क्या बना ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट कट गया तो आंसर क्या आया 30, वो तो आपको कॉमन सेंस से पहले ही पता था 30 है, तो मेरा फॉर्मूला एब्सोल्युटली करेक्ट है। अगर मान लो दो फोर्सेस ऑपोजिट है तो मुझे पता है मेरा कॉमन सेंस से आंसर क्या आएगा 20 माइनस 10 10, लेकिन मैं फॉर्मूला वेरीफाई करता हूं, मैंने आर का फॉर्मूला लगाया 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 10 इंटू दो वेक्टर्स में एंगल क्या है 180, कॉस 180 मैथ्स में होता है माइनस 1, तो इधर पुट करेंगे माइनस 1, माइनस और प्लस माइनस, तो बना ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आंसर क्या आया फिर से 10। इसका मतलब मेरी कॉमन सेंस और ये फॉर्मूला एब्सोल्युटली करेक्ट है। और लास्ट क्वेश्चन जो आप दे नहीं पाए थे आंसर, अगर दो फोर्सेज हैं एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, अब आप दे पाएंगे नेट फोर्स क्या लगेगी, अंडर रूट ऑफ 20 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 10 इंटू कॉस ऑफ 30, करते रहना सॉल्व आंसर, मेथड समझ में आया। अब कोई मर्जी एंगल कोई मर्जी फोर्स आ जाए एक मिनट में आंसर आएगा, तो ट्राइंगल लॉ ऐसे यूज नहीं होना प्रूफ में, वन टाइम प्रूफ है, यूज ये रिजल्टेंट होना है। आधा क्वेश्चन हुआ, हमने क्या निकालना था आर वेक्टर, अभी मैंने क्या निकाला है सिर्फ आर, तो अब साथ में क्या निकलेगी डायरेक्शन, पेपर में आएगा स्टेट एंड प्रूफ ट्राइंगल लॉ, तो पहले स्टेटमेंट, प्रूफ के अंदर डायग्राम, डायग्राम में पार्ट वन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, पार्ट टू डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, दो मिनट का काम है। डायरेक्शन में क्या करना है, डायरेक्शन के अंदर आप फिर से एक बार बड़ा ट्राइंगल लें, यही वाला यहां पे ड्रॉ करें अपने असाइनमेंट में, ये बीटा है, आर वेक्टर ने एंगल क्या बनाया ए वेक्टर के साथ, बीटा, आर वेक्टर का एंगल बना दिया बीटा, उसकी डायरेक्शन है, राइट। तो एक काम करते हैं, टेन ऑफ बीटा बड़े ट्राइंगल में क्या बनेगा, ये बनेगा, चेक करो, टेन बीटा इज क्यू एन डिवाइडेड बाय ओ एन, ओ एन का मतलब ओ पी प्लस पी एन, कोई डाउट इसमें, हम यहां पर पी एन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बी कॉस थीटा निकाला था हमने, इस ट्राइंगल में
साइन थीटा बोलो क्या आएगा, क्यू एन डिवाइडेड बाय इसकी लंबाई क्या है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, बी, तो क्यू एन क्या आएगा, बी साइन थीटा। तो एक काम करते हैं, टेन ऑफ बीटा विल बी इक्वल टू क्यू एन, क्यू एन की जगह क्या आएगा, बी साइन थीटा, ओपी ओपी की जगह क्या आएगा, ए, और पी एन की जगह बी कॉस थीटा, ये रहा, राइट, वैल्यूज पुट कर दी इसमें। तो पहले आपने पूरा ट्राइंगल में टेन बीटा दिस अपॉन दिस लिया बेस, तो इसकी वैल्यू इस ट्राइंगल से निकाल ली, इसकी वैल्यू भी इस ट्राइंगल से निकाल ली, एक कॉस में एक साइन में, वैल्यू को यहां पे पुट कर दिया, ये रहा, ये आंसर आ गया। अब सोचो किसी न्यूमेरिकल में आपको ए पता है, आपको बी पता है, आपको थीटा पता है, तीनों वैल्यूज पुट करके मान लो टेन बीटा वन आ गया, तो बीटा क्या आएगा, 45 डिग्री, टेन बीटा वन का मतलब 45 डिग्री, तो रिजल्टेंट का एंग की डायरेक्शन क्या है, 45 डिग्री विद ए वेक्टर, ऐसे डायरेक्शंस पता लगती है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, प्रूफ में सारा लिखना है, और लास्ट है इसकी स्टेटमेंट जो समझ में नहीं आई थी, अब आएगी, इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर में दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो दो बाई टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, बताया दो वेक्टर सेम ऑर्डर में है, देन रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, का मतलब रिजल्टेंट भी एक वेक्टर आएगा, बाय थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। अब याद करना ईजी हो जाएगा, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, होमवर्क ये है, ये पूरा लॉ स्टेटमेंट एंड प्रूफ आपने अगली बार कॉपी में सारा लिख के लाना है, कोशिश करो पहले इसको पढ़ लो, बिना देखे लिखो ज्यादा बेटर है, अगली बार हम पैरेलोग्राम और पॉलीगन लॉ करेंगे, लॉ तो कुछ नहीं 5 मिनट का ही है, अगली बार इसकी एप्लीकेशन चलनी है, जैसे फोर्सेस के न्यूमेरिकल की है ना, ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स है, नेक्स्ट टाइम करेंगे।